नमस्कार आप सबको। जयपुर की जो लिटरेचर फेस्टिवल है, मुझे बड़ा ऑनर मिला है कि मैं इसमें भाग ले पाया। मुझे बहुत इज्जत दी गई है। मेरा जो सेशन हुआ अभी रेशल डॉय जी के साथ, मुझे मेरे ख्याल में तो अच्छा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सी उन्हें खुलासा की अपने किताब के बारे में। मेरी बुक जो रिलीज हुई है खुल्लम खुला नाम है, आज जयपुर में उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो मैं अपने प्रेस भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पहुंचे, लेकिन मुझे 15-20 मिनट का मेरे पास वक्त है, उससे ज्यादा। आपकी जो खुल्लम खुला है उसमें दाऊद इब्राहिम को लेकर के चर्चा की गई, यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में चर्चा नहीं हुई। मुझे जो प्रश्न पूछा मैंने उसका जवाब दिया। मुझे जब अगर कोई चाहित बात होती तो तब करता ना, मैं तो वही प्रश्न जो मेरे से पूछा गया मैंने जवाब। आपने बताया मुलाकात हुई थी चाय पे? जी हाँ जी हाँ। लेकिन काफी लंबे समय तक आप किताब पढ़ेगा उसका जवाब उधर आएगा। आपका खानदान पूरा एक्टिंग में है, तो आपकी दृष्टि में एकदम ऑब्जेक्टिवली सबसे बढ़िया वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर कौन था कपूर खानदान से? सब अपनी अपनी जगह है, फिर भी आपके मेरे ऐसे ही तो बहुत फजूल का सवाल है आपका। मेरे में क्या होगा, जब आपने अपने वक्त में अच्छा काम किया उन्होंने। अगला प्रश्न जी। सर जी, बहुत सारे लोग ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐलान कर दिया और लिख भी डाल दिए। लेकिन खुल्लम खुल्ला के बारे में अभी जो चल रहा है मीडिया में और सब जगह, तो ये चल रहा है कि आप बहुत ही ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के व्यक्ति हैं, तो खुल्लम खुल्ला के सेकंड पार्ट आने की कोई रीडर्स को प्रतीक्षा रहेगी नहीं रहेगी? ये तो आपका बड़पन है, पहले तो एडिशन पहले लोग पढ़े दूसरे में बोल रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जब लिखते हैं तो उसमें होना ही चाहिए कि आप अच्छी अच्छी बातें करें, ऑनेस्ट बात करें, सही बातें करो। मैं अगर आप किताब पढ़ेंगे तो मेरे में जितनी गलतियाँ हैं कमजोरियाँ हैं मैंने सब उसको हाईलाइट किया हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कभी कुछ भी, अगर आप देखें कि अगर आप ऑनेस्ट ना हो, कैंडिडेट ना हो, फॉरकमिंग ना हो, तो मेरे ख्याल में किसी को अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी प्लीज। यस हाँ जी। आप जैसे अंदर चंद्र मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। सर नमस्कार सर, नाम जो होता है किसी शख्स का वो उसकी निजी अवधारणा ही नहीं होती, बल्कि थोड़ी सरल हिंदी में बात। हाँ, नाम जो होता है वो उसका सिर्फ निजत्व नहीं होता, मतलब सिर्फ पर्सनल नहीं होता, जबकि सार्वजनिक जीवन में उसका पहला पदार्पण होता है। तो कपूर से प्रेमर तक की यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मैं क्या कहूंगा इसमें, कहने की क्या बात है। सबने अपनी छवि बनाई है, सबने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, और हमारी चाहे तो आगामी में ऐसा हो, यही इससे इतना ही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कपूर साहब, जो हॉलीवुड के स्टार होते हैं वो अक्सर किसी भी इश्यूज पर स्टैंड लेते हैं, खुलकर बात करते हैं, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स में ये चीजें कम है। ऐसा नहीं कि कुछ कोई नहीं कुछ बोलता, लेकिन मैंने तो हमेशा कहा है सर जी, मैं तो अभी आपके सामने भी कहा है, निडर होके लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। बोला ऐसा कहा है, अगर मैं चमचागिरी कर रहा हूँ तो मैंने वो बीफ को अपोज क्यों किया? करेक्ट। अगर मैंने वो किया तो मैंने आपके बिहार में जो प्रोहिबिशन लाई आपने वो भी तो बीजेपी नहीं लाई। मैं वो कहना चाहता हूँ जो आम आदमी समझे और आम आदमी एक्सेप्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इट्स एन ओपन डिबेट, लेकिन ये बात गलत है आप कह रहे हो। मैंने मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड से क्या उतनी आवाजें आती हैं जितनी आनी चाहिए। मैंने तो हर जगह कही है ना, मैं तो अभी भी कहा हूँ, मैं दूसरों के बारे में कह नहीं सकता। आपका क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, one at a time, please. सर, yes. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे पिछले कुछ सालों से एक ट्रेडिशन बन गया कि कोई भी फिल्म रिलीज होती है, कोई सी भी फिल्म